ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पहले से किए हुए हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, उसके सोर्सेज, डाइट्री फाइबर्स, विटामिन्स, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए, उसकी डेफिशिएंसी वाला जेरोप्थैल्मिया, उसके प्रिवेंशन वाला प्रोग्राम, फिर विटामिन B3, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी वाला पेलेग्रा, फिर ट्रेस एलिमेंट्स, डाइट्री ऑक्सीडेंट्स, आयरन पढ़ा था, उसकी डेफिशिएंसी वाला न्यूट्रिशन एनीमिया और प्रिवेंशन वाला एनीमिया ऑफ भारत। फिर हमने आयोडीन पढ़ा था, उसकी डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और उसके प्रिवेंशन का प्रोग्राम। फिर हमने फ्लोरीन पढ़ा था, उससे रिलेटेड एनेमिक फ्लोसिस और नाल काउंटर टेक्निक पढ़ा था। फिर जिंक पढ़ा, प्रोटीन असेसमेंट मेथड भी पढ़ी थी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। उसके बाद हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड देखा था। NPU दैट इज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं हम। फिर हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स देखा, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइटरी गोल्स और प्रूडेंट डाइट भी देखा उसमें। फिर हमने माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, अलग अलग टाइप्स देखे। फिर हमने PEM या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखा, और उसी के अंदर क्वाशियोरकर और मैरिस्मस के बीच में हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने NRC पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड्स देखे अलग अलग, फिर न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बीच में डिफरेंस देखा। फिर मिल्क बॉर्न डिजीज पे आए, उसी के बाद हमने पाश्चराइजेशन भी पढ़ा, फिर फूड बॉर्न डिजीज पे आए, और फिर टॉक्सिकेंस, फूड टॉक्सिकेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें न्यूरोलेथायरिज्म, एफ्लोटॉक्सिकोसिस, ये सब पढ़ा। फिर हमने फूड ऑडल्ट्रेशन देखा, और उसी के साथ हमने फूड स्टैंडर्ड्स भी देखे। फिर फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और उसी के साथ हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स भी देखे। ठीक, उसके बाद हमने हिडन हंगर पढ़ा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा, और जब इंडेक्स पढ़ ही रहे थे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ लिया था, तो उसी के बाद हम क्लासिफिकेशन इंडेक्स भी पढ़ेंगे आज। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो उसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको उनके इंडिविजुअल नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो हमने देखो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा ना इससे पहले, तो अब इंडेक्स पढ़ना ही था, तो एक और इंडेक्स जो इसमें यूज होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है पता? क्योंकि जब भी किसी को डायबिटीज होती है या शुगर निकलती है, तो सबसे पहला क्या सवाल होता है, सबसे पहले बकर करने के लिए कौन आ जाते हैं लोग? भाई साहब ये खाइए, ये मत खाइए, अरे भाई आलू खाना छोड़ दो, चावल खाना छोड़ दो, और फल खाओ, सब्जी खाओ। उसके बाद बोलते हैं कि अरे इस चावल की जगह ब्राउन राइस खाने लगो, एक काम करो भाई साहब ब्रेड की जगह पे व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खाने लगो, एक काम करो कि अनाज खाओ होल ग्रेन्स खाओ, एक काम करो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ओट्स खाने लगो। ये जो इतनी बकरबाजी कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं पता है? वो बेसिस है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कोशिश वो लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया हाई ग्लाइसेमिक फूड खाना बंद करो और लो ग्लाइसेमिक फूड खाना शुरू करो, यही बोलते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। ठीक, तो उसको समझेंगे कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। अभी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सिंपल भाषा में समझाऊं ना, तो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझे? फिर से बताऊं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि कितनी जल्दी हमने जो भी डाइट ली है, खाना खाया है, उसमें जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो शुगर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कितनी जल्दी हमारे खाने के जो कार्ब्स हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए। और ज्यादा स्पेसिफिक होके कहूँ तो उसका मतलब ये है कि हमारे कार्ब्स में जो लगभग
हमारे खाने के 50 ग्राम जो कार्ब हैं वो शुगर में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं और विद इन 2 घंटे में हमारे शरीर के शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझ गए कि जो खाना हमने खाया उसके जो कार्ब्स हैं करीब, वो जो कार्ब्स हैं करीब 50 ग्राम कार्ब्स कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो सकते हैं और विद इन 2 घंटे हमारे शुगर लेवल को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, उसको कहते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक, अब अलग अलग होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देखो 3 तरह के हो सकते हैं। एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो सकते हैं, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो सकते हैं, और उन दोनों के बीच में जो आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ये हम अभी अगली स्लाइड में इनके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। मगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड दो शब्द होते हैं जो कई बार आपसे वाईवाई एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ में आ गया ना, कितना कार्ब शुगर में कन्वर्ट हो गया और विद इन 2 घंटे कितनी तेजी से उसने शुगर लेवल को बढ़ा दिया। ठीक, अब ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दो चीज समझ लेते हैं। ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या है? ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स है कि हमारा जो भी हमने खाना खाया है डाइट में उसकी क्षमता कि कितनी तेजी से वो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, दैट इज ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। समझ गए? ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो भी खाना हमने खाया है उसकी क्षमता कि कितनी तेजी से वो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें कितना कार्ब हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, दैट इज उस खाने का ग्लाइसेमिक लोड। समझ गए? तो ये दो शब्द याद रखना, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स और ग्लाइसेमिक लोड। इसको याद कैसे करेंगे, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स और ग्लाइसेमिक लोड को? पहले तो सिंपल भाषा में समझ लो कि भैया ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब कि जो भी खाना हमने खाया उसने कैसे रिस्पॉन्स किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया कि तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, दैट इज ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। कि हमारा जो फूड है उसने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया और ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, दैट इज ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? देखो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना कार्ब है ये देखना, और कार्ब क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि यही कार्ब तो आगे जाके शुगर में कन्वर्ट होने वाला है ना, वही तो शुगर से रिलेटेड ही तो हम ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक बात कर रहे हैं। तो शुगर में कितना क्या कन्वर्ट होगा, कार्ब कन्वर्ट होगा, तो कितना लोडेड शुगर होने वाला है, शुगर से कितना लोडेड है तुम्हारा खाना, वो कैसे देखोगे, कितना कार्ब से लोडेड है तुम्हारा खाना, तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे, तो ग्लाइसेमिक लोड है कि खाने में कितना तुम कार्ब ले रहे हो और वही कार्ब तो आगे जाके शुगर में कन्वर्ट होगा, है ना, तो शुगर से ही ग्लाइसेमिक। तो ग्लाइसेमिक लोड मतलब कि शुगर का लोड कितना बढ़ने वाला है, डिपेंड्स कि कितना कार्ब तुम खाने वाले हो, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा और सिंपल तरीका, कि क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं रिस्पॉन्स और लोड में कई बार उल्टा बोल जाते हैं, तो इसको भी याद करने के लिए सिंपल है, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स का देखो आर आ रहा है, तो R फॉर क्या होता है, रेज, R फॉर रेज, तो फूड एबिलिटी, फूड की क्षमता कि कितना वो रेज कर सकता है ब्लड शुगर, तो R फॉर रिस्पॉन्स और R फॉर रेज। और ऐसे ही ग्लाइसेमिक लोड में देखो D आ रहा है, तो ये D किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो लोड कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों एक ही जगह पे हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कितना कार्बोहाइड्रेट है आपके फूड में। समझ गए? तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स और ग्लाइसेमिक लोड को भी याद कर लेना, पहले सिंपल है, एमसीक्यू इस पे आ जाता है और कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमने पढ़ा था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या था कि जो भी खाना हमने खाया उसमें जो कार्ब्स हैं वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं शुगर में और विद इन 2 घंटे शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं, करीब 50 ग्राम अगर बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाले होते हैं वो फूड को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन देयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं कि भैया जो जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं
बहुत धीरे धीरे शुगर को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने देते हैं और फिर बहुत धीरे धीरे वो हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो शुगर भी धीरे धीरे लो है ना, कम है, तो कम कम स्पीड में धीरे धीरे वो रिलीज करेगा और कम स्पीड में धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। वहीं अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बात करें तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं ना, उनकी जो शुगर होती है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो बहुत जल्दी से शुगर लेवल को बढ़ा देगी, इसलिए वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या होगा कि वो शुगर को बहुत धीरे धीरे रिलीज करेंगे और उसके बाद बहुत धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगी, तो बहुत धीरे धीरे वो शुगर का लेवल बढ़ाएगी। समझ गए? तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। वही दूसरी चीज एक और याद रखना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में याद है हमने इनकी डेफिनेशन में क्या बोला था? हमने कहा था कि विद इन 2 घंटे शुगर लेवल को अफेक्ट करेंगे, कितना अफेक्ट करेंगे वो एबिलिटी को हम देखते हैं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, है ना, कि विद इन 2 घंटे ये जो भी फूड खाया है विद इन 2 घंटे में कितना शुगर लेवल चेंज करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होंगे वो 55 या उससे कम बढ़ाएंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी ऐसा नहीं कि शुगर लेवल बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन वो 55 या उससे कम मात्रा में ही बढ़ाएंगे। जबकि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है ना, वो 70 या उससे भी ज्यादा मात्रा में बढ़ा देंगे। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा 55 से 70 में? वो होगा आपका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने कोई सा फूड खाया, ठीक है, उसमें मान लो जब आप खाना खा रहे थे, मान लो, मानने की बात है बस, कि आपका जो ब्लड शुगर था लगभग 100 था, तो जब आपने इस खाने को खाया उसमें 50 ग्राम आपका कार्ब था तो आपने खाया, तो वही जब ये 100 की जगह खाना खाने के विद इन 2 घंटे 140 हो गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे? अगर ये 140 हो गया यानी कि ये क्या है, ये 55 से कम बढ़ा है ना, 100 से 140 हो गया यानी यहाँ पे कितना आया, 40 आया, यानी कि ये 55 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। वहीं ये 100 ही था पर आपने कोई दूसरा खाना खाया तो आपका जो ब्लड शुगर था वो 100 की जगह पे 160 हो गया। 160 हो गया तो मतलब कितना हो गया, 100 से 160 यानी यहाँ पे +60 हो गया, यानी कि 56 से 70 के बीच में है ना। तो 56 से 70 के बीच में है, तो देखा है आपने यहाँ पे हमने दिखाया था 56 से 70 के बीच में, दैट इज आपका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो जाएगा। तो फिर से बताते, देखो अगर आपने 100 है आपका, आपने खाना खाया 140 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, +40 आ गया है, यानी कि आपका 55 से कम है, 55 से कम है यानी कि ये कौन सा है, ये है आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, है ना। वहीं आपने 100 ही था मगर अब आपका 160 हो गया है, तो यानी कि यहाँ पे +60 हो गया आपका शुगर लेवल, +60 हो गया ना, यानी कि ये 55 से 70 के बीच में है ना, 60 है यानी 55 से 70 के बीच में है, यानी कि ये कौन सा खाना खाया आपने, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाया। वहीं अगर 100 से खाने के विद इन 2 घंटे 180 पहुंच गई शुगर, यानी +80 हो गई, +80 हो गई यानी 70 से भी ज्यादा बढ़ गई शुगर, यानी कि ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो जाएगा। समझ गए? तो यही उसका मतलब है जो यहाँ पे टेबल में लिखा ना आपका, कि भैया 70 से ज्यादा, 55 से 70 के बीच में 55, तो इसको ऐसे समझ सकते हो तो याद रहेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि भैया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं और इनकी वैल्यू, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की वैल्यू और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की वैल्यू। इनके एग्जांपल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी, एमसीक्यू के लिए भी और आपके थ्योरी के लिए भी। देखो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है ना, इसमें ना सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाना है। बोलते हैं ना भैया अब तो शुगर हो गई तुमको, अब तो तुम्हारे लग गए हैं, अब तो भैया ये चीजें खाना, तो ये चीजें में क्या है, सबसे पहली चीज खाने को क्या बोलते हैं, भैया अब तो ना खाने में फल ज्यादा खाओ और सब्जियां ज्यादा खाओ, फल और सब्जियां। हाँ, कई फल और सब्जियों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं, उनको हटा दो,
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में जैसे हरी सब्जियां खाओ, फलों में संतरे खाओ तो, और मशरूम्स होते हैं, बीन्स होते हैं, ये सब कुछ जो है ना ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। तो ज्यादातर सब्जियां और फल जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसलिए इसको खाने को बोलते हैं। उसके अलावा ना होल ग्रेन खाने को ज्यादा बोलते हैं, जो साबुत अनाज टाइप का होता है ना उसको ज्यादा खाने को बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं कि भैया आप कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स ना खाना, ओट्स खाओ है ना, या फिर आप दलिया खाओ है ना, इस टाइप की चीजें बोलते हैं, तो होल ग्रेन खाने को बोलते हैं। उसके अलावा खाने में दाल की मात्रा ज्यादा बढ़ाने को बोलते हैं, अलग अलग तरह की दाल आप चाहे अरहर की खाओ, चने की खाओ, तुअर की खाओ, अलग अलग तरह की दाल खाने को बोलते हैं। और इनफैक्ट बीन्स, अलग अलग तरह के बीन्स आप खाने को बोलते हैं कि भैया बीन्स को ज्यादा बढ़ाओ आप। तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअली, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को आप खाने में ज्यादा से ज्यादा दे रहे हो, जिससे पेट भी भरेगा और शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो समझ गए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जांपल बहुत ही आसान है, सब हेल्दी हेल्दी चीजें बोलो। हेल्दी हेल्दी चीजें मतलब हरी सब्जियां और फल, उसके अलावा आप होल ग्रेन खाने को बोल दो, दालें खाने को बोल दो अलग अलग, बीन्स अलग अलग टाइप के खाने को बोल दो, तो सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आ जाएंगे। अब भाई साहब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी समझ लेते हैं हम, कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या क्या आएगा। तो भैया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में बहुत सिंपल है, इसको भी इसके एग्जांपल भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैं कुछ के नाम ही ले रहा हूँ जो इन जनरल हमको याद रखने चाहिए, ऐसे तो अनगिनत है तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स में अलग से। मैं ऐसी चीजें जो याद रहेंगी और जो वाइवा में काम आएंगी वो बता रहा हूँ। अपना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या बोलोगे? अब दादा किसी को शुगर निकला है तो तुम उसको सबसे पहली चीज खाने को जो मना करोगे ना वो चीजें बोल दो कि भैया आलू मत खाना, भैया ब्रेड मत खाओ, वो मैदे से बनती है, सफेद ब्रेड तो बिल्कुल नहीं खाओ, उसके अलावा चावल तो भाई साहब बंद ही कर दो, आप चावल तो खाने ही नहीं है आपको, यही सब बोलते हैं ना अपन। तो यही तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसीलिए तो इतनी बकर बचाते हैं कि भैया ये नहीं खाना। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि कॉर्न से, मक्के से बनी हुई चीजें, जैसे कि कॉर्नफ्लैक्स खाने को मना करते हैं, पॉपकॉर्न खाने को मना बोलते हैं, कॉर्न जो आपके कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न पॉपकॉर्न, कॉर्न स्टार्च जो होता है, उसके अलावा कॉर्नफ्लावर जो होता है, ये सब चीजों से दूर रहने को बोलते हैं क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हैं, ये सब मत खाओ। समझ गए? तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? वही जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शुगर वाले को ये सब नहीं देना है, वही वही एग्जाम्पल होंगे बेस्ट, कि आप आलू मत खाओ, सफेद ब्रेड मत खाओ, सफेद चावल मत खाओ, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स ऑनफ्लेक्स मत खाओ, ये सारी चीजें। समझ गए? तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जाम्पल हो गए कौन कौन से, जैसे कि व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड और पोटैटो, कॉर्न, कॉर्न के अलग अलग प्रोडक्ट्स, ये सब खाने को मिलते हैं। ठीक है, अब आता है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या क्या आएगा, तो इसको पता कैसे याद करो, मतलब मैं जैसे याद करता हूँ इसको ना, अब देखो यार जिनको शुगर हो गई है उनकी जीभ तो लपलपाएगी, तो उनको मन तो करेगा कि यार चावल तो खाना है, यार ब्रेड तो खाना है चाय में डुबो के, यार आलू तो खाने का मन तो है, तो आपने इनके ऑल्टरनेट दे देते हो इनको कि भैया ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा तो बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा, तो ऐसी चीजें बता दो। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो एक काम करो ब्राउन राइस खाने लगो, एक काम करो व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खाने लगो, एक काम करो स्वीट पोटेटो खाने लगो, बोलते हैं ना। तो एक्चुअली ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आ जाएंगे। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है ना उनके उनके जो अल्टरनेटिव है ना उनको रख दो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में। तो वैसे याद कर सकते हो कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटेटो, ये सब कुछ हो जाएगा। अब ना एक और चीज है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है इस पे, पता, दैट इज केला, बनाना, बनाना। तो बनाना जो होता है ना, अब इसको आप मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में रख सकते हो। अब आप मेरे पे चढ़ जाओगे, अरे सर ये तो हाई में होता है, ये तो लो में होता है, ये तो मीडियम में होता है। एक्चुअली ना इसको समझने की जरूरत है, मैं मीडियम में रखता हूँ, ज्यादातर किताबों में आपको मीडियम में ही रखे मिलेगा बनाना, इसलिए अपन ने मीडियम में रखा है। मगर जो फ्रूट्स होते हैं ना इनमें एक चीज समझना कि जितने ज्यादा वो राइप होते जाते हैं, यानी कि जितने ज्यादा वो पकते हैं ना उतने मीठे होते जाते हैं और उतना ही ज्यादा उनका
ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है, याद रखना। तो अगर ये कच्चे केले हैं या थोड़े से पके हैं तब तो ठीक है, वहीं केले देखे ना आपने, ऐसे छोटे 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 बिंदियां आ जाती हैं, और जब पक जाते हैं और पक जाते हैं और मीठे भी हो जाते हैं, मगर वो और ज्यादा उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका बढ़ जाता है, समझ गए। तो ये भी याद रखना कि कई बार आपको यहाँ मिलेगा, कई बार आपको यहाँ मिलेगा, तो कहाँ पे है वो डिपेंड करता है। यार देखो, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, उसका 42 से लेके आपको 59 तक मिल सकता है, तो आपको वो लो में भी जा सकता है, वो हाई में भी जा सकता है, तो अलग अलग 42 से 40 भी जा सकता है, 59 की जगह 62 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कि कितना पका हुआ है। तो फलों में ये चीज याद रखना, खासकर केले में, क्योंकि वाइवा में पूछते हैं, और इसीलिए टू बी सेफ साइड अपने इसको मीडियम में रखें, ठीक। आप किताबों में देखोगे, आप बोलोगे सर इसको तो हाई में रखा, सर इसको तो लो में रखा, तो तब वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए एक्चुअली ना बनाना पे उतना एमसीक्यू आता नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में डालते ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है व्हाइट ब्रेड तो हाई में ही जाएगा, कॉर्न तो भाई सब हाई में जाएगा ही जाएगा, वहीं होल ग्रेन तो लो में जाएगा, लेंटिस तो लो में जाएगा, ये फ्रूट्स तो लो में जाएंगे, वहीं ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड तो मीडियम में जाएगा। तो एमसीक्यू भी ऐसे ही पे आते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना, ठीक। तो सिंपल भाषा में बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं उनके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे कि भैया लो का क्या है, मीडियम का क्या है और हाई का क्या है। तो बहुत सिंपल, किसी को भी अगर वजन कम करना है या शुगर कंट्रोल में रखनी है ना, तो उसको जो बोलते हैं ना अपन, वो सब लो में डाल दो। दैट इज उसको बोलते हैं ना कि भैया फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ और साबुत अनाज खाओ, दालें ज्यादा खाओ, बीन ज्यादा खाओ, इन शॉर्ट हेल्दी चीजें सब कुछ डाल दो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। वहीं अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड की बात करें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद करना है, वही भैया जो शुरू से बोलते हैं वजन कम करना और शुगर कंट्रोल करने के लिए कि भैया चावल मत खाओ तो चावल डाल दो हाई ग्लाइसेमिक में, आप आलू मत खाओ तो आलू डाल दो हाई ग्लाइसेमिक में, सफेद ब्रेड मत खाओ मैदे वाली तो उसको भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, कॉर्न या कॉर्न स्टार्च या कॉर्न पाउडर, कॉर्न फ्लोर ये सब मत लो, सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, ऐसे याद कर सकते हो। और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हाई वाले को अल्टरनेट डाल दो तो सब मीडियम में आ जाएंगे, व्हाइट की जगह पे ब्राउन राइस डाल दो मीडियम में, व्हाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड डाल दो मीडियम में, पोटेटो की जगह पे स्वीट पोटेटो डाल दो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के, लो मीडियम और हाई, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की तो भाई साहब, थ्योरी एग्जाम में आपको वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है कि भैया ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो ये समझाते आना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा ना, तो वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझाते आना चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हाई लो मीडियम की बात कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो। वही वाइवा में ये दो शब्द, अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है तो ये दो शब्द आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स बताओ और ग्लाइसेमिक लोड बताओ, ये भी बताते आना चाहिए। ये भाई साहब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको समझाते आने चाहिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे आप और भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ये मैंने इन जनरल बोले जो याद। ये तो हो गए वाइवा की बात। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स पे आपको एमसीक्यू आ चुका है कि भैया ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वही कि कितना बढ़ा सकता है वो ब्लड शुगर, और ग्लाइसेमिक लोड पे आपको आ सकता है एमसीक्यू, तो इसको भी तैयार रखना। उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आपको क्वेश्चन आए हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन आए हैं, फ्रूट पे, होल ग्रेन पे, लेंटिस पे, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन आए हैं, ब्राउन राइस पे, ब्राउन ब्रेड पे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन आया है, व्हाइट ब्रेड पे, कॉर्न पे, ठीक है। और इनफैक्ट ना याद रखना इनकी इमेजेस भी आ सकती हैं आपको कि बताओ बताओ इनमें ये जो इमेज दी गई है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम या हाई किस में आती है, तो ऐसी इमेजेस भी इनके एग्जांपल्स पे आपको आ सकती हैं। एक एमसीक्यू जो आ सकता है मुझे लगता है वो ये कि किसके बेसिस पे, जो लेस देन 55, 56 टू 69 और 70, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो इनको भी याद रखना, ठीक।
और अगर स्पॉट्स आपसे पूछे जाते हैं, कई बार आपके स्पॉट्स में केला है, बनाना रख देते हैं, और वो सब तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूछते हैं, उसके अलावा आपसे पूछ लेते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताओ इसका कितना है, या ये किस में आएगा, या आपसे व्हाइट राइस या ब्रेड रख देते हैं, और उसमें आपको, या आलू, आलू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रखते हैं कई बार, कि भैया बताओ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये किस में आएगा, लो हाई मीडियम, तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, तो ये बताते आना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या कहें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के बारे में